Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. ठंडी हवा के झोंके इकरस के बालों के साथ खेल रहे थे। वो मीनार की छत पर खड़ा हसरत भरी नजरों से आसमान में उड़ते आजाद परिंदों को देख रहा था। वो अपने ख्यालों में इस कदर गुम था कि उसे पता ही नहीं चला कि डीडलस कब उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो बेटा? डीडलस ने अपने बेटे के मायूस चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा, हमने इंसान होकर क्या पाया? हमारे पास सब कुछ था, पलक झपकते ही मेहनत से कमाई इज्जत, दौलत और शोहरत पर जिल्लत, जुल्म और रुसवाई का ग्रहण लग गया। ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई सिफारिश काम आई और ना इंसाफ मिला। अगर हम इंसान ना होकर हवा या पानी होते तो आज हमारे पैरों में यूं बेड़ियां ना पड़ी होती। कोई हमें रोक नहीं पाता, ना कानून, ना कोई सरहद, ना सलाखें। इकरस की इन बातों ने डीडलस को सारी रात जगाए रखा। फने तामीर की दुनिया में डीडलस का कोई सानी नहीं था। उसके हुनर का चर्चा पूरे रोम में जबान जदे आम था। लोहा हो या लकड़ी, उसके हाथों में आते ही हर मादा मोम की तरह पिघल कर एक शाहकार बन जाया करता था। रोम के हर गली कूचे में डीडलस के ज़ेरे निगरानी तामीर करदा मकबरे, मेहराब और मुजस्समे लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते। उसके बनाए हुए मुजस्समों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जीता जागता इंसान बुत बना खड़ा है और बस अभी बोल पड़ेगा। आज से 6 माह पहले रोम के बादशाह मीनोस ने डीडलस और इकरस को अपने दरबार में मधु किया। बादशाह ने डीडलस के एजाज में एक आलीशान ईशाइये का अहतमाम किया था। मुल्क भर से नामचीन लोग इस महफिल में शामिल हुए और दौरान तकरीब रोम की ताज़ीन और आराइश के लिए डीडलस की खिदमात को खूब सराहा गया। अगले दिन बादशाह ने डीडलस और इकरस को अपने पालतू घोड़े माइनोटोर से मिलवाया, जो बादशाह की जान का टुकड़ा था। मीनोस चाहता था कि डीडलस माइनोटोर के लिए एक ऐसा मुनफरद बाड़ा तामीर करे जहाँ माइनोटोर आराम करने के साथ साथ खेल कूद सके, उसकी वर्जिश हो जाए और वो मसरूफ रहे, बस ऐसी जगह जहाँ उसका दिल लगा रहे। डीडलस ने इस चैलेंज को कबूल किया और कई हफ्तों की मंसूबाबंदी और अनथक मेहनत के बाद माइनोटोर के लिए 500 एकड़ पर फैला हुआ एक लैबिरिंथ तामीर किया। एक ऐसी भूल भुलैया जहाँ मकनातीस से चलने वाले आलात और खिलौने रखे गए थे जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखे थे। बादशाह इस तोहफे से बहुत खुश हुआ और डीडलस को शाबाशी दी। लेकिन कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उन लोगों ने माइनोटोर को अंदर तो भेज दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि वो बेजुबान जानवर अकेला बाहर निकलेगा कैसे। भूलभुलैया का रास्ता इतना पेचीदा था कि जो भी माइनोटोर के लिए खाना लेकर अंदर जाता वो नक्शा साथ होने के बावजूद रास्ता भटक जाता। 1 माह बाद जब लैबिरिंथ से माइनोटोर का ढांचा निकला तो मीनोस ने कोहराम मचा दिया। उसने रोम के एक सुनसान जजीरे पर 1000 फुट ऊंचा एक मीनार तामीर करवाया और दोनों बाप बेटे को कुछ हफ्तों के राशन के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी, ताकि उनका भी वही हशर हो जो माइनोटोर का हुआ था। तब से वो दोनों नाउमीदी की तस्वीर बने उस मीनार पर दिन गुजार रहे थे। अपने रोशन माजी और धुंधले मुस्तकबिल के बारे में सोचते सोचते अचानक डीडलस के कारीगर जहन में एक ख्याल आया और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे इकरस के साथ वहां से फरार होने का रास्ता मिल गया था। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।